Assalamu alaikum everyone, welcome back to my other vlog. I hope you all are doing good. I am doing good too. मुझे मालूम है आप लोग बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे थे मेरे नेक्स्ट व्लॉग का, तो लीजिए मैं आ गई आपके साथ अपना ये वीडियो लेकर जो कि मेरा फैमिली व्लॉग है. एक्चुअली मैं यहाँ पर नहीं थी, मैं गई हुई थी अपने ससुराल अलीगढ़ और कानपुर, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा वहाँ बिजी हो गई. मेरा ये था कि मैं अपनी फैमिली के पास गई हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा मोमेंट्स मैं अपनी फैमिली के साथ मैं स्पेंड करूँ. बहुत ही टाइम के बाद मैं वहाँ गई थी तो मैं थोड़ा सा बिजी हो गई चीज़ों में, तो मुझे ऐसा टाइम नहीं मिला कि मैं प्रॉपर व्लॉग आपके साथ शेयर करूँ. तो मैंने कुछ छोटे छोटे मोमेंट्स कैप्चर किए इन बिटवीन, तो आज मैं उनको आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ व्लॉग की तौर पर. आई एम श्योर कि आप इस वीडियो को उसी तरीके से प्यार देंगे जैसे कि आप हमेशा देते आए हैं. वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी. अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट कर दीजिएगा, अपनी फैमिली के साथ में शेयर करिएगा. आई एम श्योर उनको भी उतनी ही पसंद आएगी. सब्सक्राइब करवाना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर करवा दीजिएगा क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं दिल्ली से अलीगढ़. दिल्ली से अलीगढ़ तकरीबन 2 घंटे का रास्ता है, बट हम लोग काफी शाम में निकले थे दिल्ली से, तो अलीगढ़ पहुंचते पहुंचते काफी रात हो गई. यहाँ पर रहते हैं मेरे हस्बैंड के बड़े भाई और हम लोग यहाँ आए थे ईद सेलिब्रेट करने के लिए. ये है मेरा सबसे छोटा भतीजा फरहान, इसने जस्ट अभी नीट का एग्जाम दिया है, और बड़ा भतीजा शादमान वो बैंगलोर में जॉब कर रहा है, और ये है मेरा बेटा जो PS4 पर लगा हुआ है. अभी बज रहा है सुबह का 7 और अब हम लोग जा रहे हैं कानपुर. अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत सारे मोमेंट्स तो अलीगढ़ के कैप्चर नहीं कर पाई, पर मैंने बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया यहाँ पर. हमारी सुबह 8 बजे वाली शताब्दी थी और हम लोग अपने टाइम से काफी पहले पहुंच गए थे. गर्मी का आलम मैं आपको क्या बताऊं क्या था, बस आप ये नेक्स्ट फोटो देख के अंदाजा लगा लीजिए कि गर्मी कितनी ज्यादा थी. अब हम लोग बैठ गए हैं ट्रेन में फाइनली. शताब्दी एक्सप्रेस का अलीगढ़ पर बहुत ही कम स्टॉपेज मिलता है, आई थिंक ओनली 2 मिनट्स का स्टॉपेज है, जिसकी वजह से बहुत केओस हो जाता है फैमिली के साथ मैनेज करने में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ काफ़ी आसानी से हो गया. और अब आइए थोड़ी सी राहत की सांस, क्योंकि स्टेशन पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी जिसकी वजह से मेरे दोनों बच्चे कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड हो गए थे. ट्रेन में बैठते ही फौरन सर्व हुआ ब्रेकफास्ट, जिसमें दी गई 2 ब्राउन ब्रेड्स, मैंगो फ्रूटी जैम, टी, कॉफी, बटर, और ये है मिक्स वेज कटलेट्स विद सम बॉइल्ड वेजीज. हमारी ट्रेन बिल्कुल करेक्ट टाइम पर कानपुर पहुंच गई, जो कि 11:30 बजे पहुंचने का टाइम है, और ये ट्रेन मुझे सबसे बेस्ट लगती है. अगर आप लोग कानपुर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप लोग इसी ट्रेन से मैं सजेस्ट करूंगी आप ट्रैवल करें, क्योंकि ये दिल्ली से अर्ली मॉर्निंग की आई थिंक अराउंड 6 o'clock पर चलती है यहाँ से, और ये कानपुर शार्प 11:30 तक पहुँच जाती है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और आप अपने शहर पहुँच जाते हैं. अब हम जा रहे हैं घर की तरफ. घर स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है, आई थिंक 10 मिनट का रास्ता होगा खाली. और जिस दिन हम लोग कानपुर आए हैं उस दिन मौसम काफ़ी अच्छा था यहाँ का, बादल थे, अच्छी सी हवा थी, शाम तक बारिश भी हो गई थी. और अब हम लोग पहुँच गए हैं घर, और ये जो आप लुक अलाइक बेबीज देख रहे हैं इन दोनों में ओनली 3 डेज का डिफरेंस है. पीछे जो क्यूट सा बेबी है उसका नाम है इब्राहिम, वो मेरे भांजे का बेटा है, और दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है जैसा कि आप देख सकते हैं. और ये है नज़ारा शाम का हमारी बालकनी से. यहाँ पर बारिश हुई थी बहुत तेज़ और मौसम बहुत अच्छा हो गया था इसके बाद. और अब हुई है नई सुबह की शुरुआत कुछ मीठी सी खुशबू के साथ.
आज हमने घर पर रखा है गेट टुगेदर डिनर फॉर सम गेस्ट एंड रिलेटिव्स, तो मैं आपको लेकर चलती हूँ किचन में और दिखाती हूँ कि आज मेन्यू में क्या क्या है। तो चलिए चलते हैं किचन में। मेरे ससुराल में मद्रासी बिरयानी बहुत ही चाव से खाई जाती है, तो यहाँ पर उसी की प्रिपरेशन चल रही है और एक तरफ प्याज फ्राई हो रही है। कोरमा बनाने वाली हूँ मैं आज। हम लोग एक साथ बड़े बड़े बर्तनों में काम कर रहे हैं। बिरयानी बना रही है मेरे भांजे की वाइफ जो टेक्निकली मेरी बहू हुई, और कोरमा बना रही हूँ मैं। क्योंकि कोरमा लार्ज अमाउंट में बन रहा है तो ऑटोमेटिकली प्याज भी ज़्यादा ली गई है, जिसको फ्राई होने में काफ़ी टाइम लग रहा था। यहाँ पर बिरयानी का मसाला ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है और प्याज भी फ्राई होने ही वाली है। प्याज मेरी पूरी गोल्डन ब्राउन हो चुकी थी तो मैंने उसको डिश आउट कर लिया, और उसी सेम बर्तन में मैं यहाँ पर मटन को अच्छे से भूनने वाली हूँ जब तक उसका पानी ना फिनिश हो जाए। ये देखिए, यहाँ पर मटन अच्छे से भुन रहा है। मीनवाइल यहाँ पर मेरी गोल्डन ब्राउन प्याज बिल्कुल तैयार है कोरमे के लिए। 3-4 घंटे की मेहनत के बाद में मेरा कोरमा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। चिकन कोरमा में इतना टाइम नहीं लगता है, बट मटन कोरमा में अच्छा खासा टाइम लग जाता है अगर आप भगोने में बना रहे हैं तो। कुकर में ये जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। इसी के साथ साथ बिरयानी भी बिल्कुल तैयार है, और अब हम दोनों चीज़ों को डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर कितना ज़बरदस्त कोरमा लग रहा है, और लोगों को भी ये काफ़ी पसंद आया। आई एम श्योर आपके भी मुँह में पानी आ ही गया होगा ये देख कर। उसी के साथ साथ बिरयानी भी लोगों ने बहुत चाव से खाई। ये देख सकते हैं मसाले वाली बिरयानी है, और बहुत ही अच्छी बनी थी बिरयानी। लोगों को दोनों चीज़ें बहुत ही पसंद आई। उसी के साथ साथ हमने बनाई थी यहाँ पर थोड़ी सी ये कवामी सिवैयाँ और शीर एज स्वीट डिशेस। तो ये जो आपने फोटोज देखी है मेरे घर वालों की फोटोज थी। बहुत ही कम टाइम थे हम कानपुर के लिए, लेकिन जो भी टाइम गया हम लोगों का बहुत ही अच्छा गया। हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। रात रात भर हम लोग जग कर बातें करते थे, चाय पीते थे, सुबह लेट सो के उठते थे, और यही सब चीज़ों में सारा टाइम कहाँ निकल गया पता नहीं चला। बहुत ही कम मेमोरीज में कैप्चर कर पाई, पर जो भी था बहुत अच्छा था। अब हम लोग जा रहे हैं कानपुर से न्यू दिल्ली, और इन दोनों बच्चों के चेहरे से आप पता लगा सकते हैं कि दोनों थोड़े थोड़े से सैड हैं। ये दोनों बच्चे ऑलमोस्ट सेम एज के हैं। मेरे सबसे बड़े भांजे की सबसे बड़ी बेटी है ये इफ्रा। इफ्रा और शाजू बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स हैं। हम लोग नई दिल्ली वापस जा रहे हैं लखनऊ शताब्दी से। कानपुर पर इसका टाइमिंग अराउंड 4:50 पीएम का है, और ये दिल्ली पहुंचा देती है 10:30 पीएम तक, अगर कहीं बीच में लेट ना हो तो। और ये हम लोग पहुंच गए कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। यहाँ पर पहुंचने के बाद एक अलग ही फीलिंग होती है, एक अलग ही इमोशंस होते हैं। आई डोंट थिंक कि मैं उसको अपने व्लॉग के थ्रू एक्सप्रेस कर सकती हूँ, मैं सिर्फ फील कर सकती हूँ, और मेरी जगह पे जो होगा वो इन इमोशंस को फील कर सकता है। और ये है मेरा सबसे बड़ा भांजा तस्नीम। बहुत ही जॉली नेचर है इसका, और यहाँ पर हमारे जाने की तैयारी हो रही है फाइनली। ये है तस्नीम के दो प्यारे प्यारे क्यूट से बच्चे। दोनों बच्चे इब्राहिम और फाजू दोनों सो गए थे, काफ़ी टायर्ड हो गए थे। और ये है मेरी प्यारी सी इफ्रा। ये है हमारे सबसे छोटे वाले भांजे, इनका नाम है तनवीर, और यहाँ पर हो रहा है हम लोग का फेयरवेल। इसी के साथ में व्लॉग आज का एंड होता है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। पास में बेल बटन है उसको प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, और बने रहिए इसी तरीके से मेरे साथ में अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए। इंशाल्लाह आगे की वीडियो जल्दी ही आने वाली है। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।